नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SP बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। इसमें पढ़ेंगे कि ब्लड कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड एक लाल कलर का चिपचिपा एक टिश्यू होता है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। yes, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले की थी कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने बताया था कि ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी नाम के दो सब्सटेंस होते हैं, जिसके बेस पर ब्लड ग्रुप को चार भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो चार प्रकार का होता है। कौन सा होता है? ए बी और ओ, ठीक। तो ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप जो होता है, ये ब्लड ए को देता है और ए बी को देता है, और कौन से ले सकता है? ए से ले सकता है ब्लड और ओ से ले सकता है ब्लड। अब बी वाला जो होता है वो बी को ब्लड देता है और ए बी को ब्लड देता है, और कौन से लेता है? ओ से ले सकता है और ए बी से ले सकता है। ऐसे ही ए बी वाला होता है, ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है और ए बी और ओ से ब्लड ले सकता है। इसी प्रकार ओ वाला जो होता है वो ब्लड ए बी और ओ सबको ब्लड दे सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है। आइए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ए ब्लड ग्रुप, तो मैंने अभी बताया था ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो हमारा ब्लड ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक। और ब्लड लेगा किन से? ए से वापस ले लेगा और ओ से ले लेगा। यानी कि ओ जो होता है वो हमारा सर्वदाता होता है, ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। इसी प्रकार हमारा आता है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को भी ब्लड दे सकता है। इसके बाद आता है हमारा ओ जो होता है वो हमारा सर्वदाता होता है, यानी कि सबको ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ओ को ब्लड दे सकता है। लेकिन ये ब्लड लेता है तो केवल और केवल ओ से ही लेता है। तो यह हमारा ब्लड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आइए हम देख लेते हैं इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी। इन ब्लड में जो चार प्रकार होते हैं, इनके एंटीजन और एंटीबॉडी किस किस में होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ए में जो हमारा एंटीजन होता है ए, एंटीबॉडी होती है इसमें, एंटीबॉडी होती है बी। इस प्रकार बी वाला जो होता है इसमें एंटीजन हमारा होता है बी, एंटीबॉडी कौन सी होती है इसमें? ए। अब ए बी वाला जो होता है, ए बी वाले में हमारे एंटीजन होता है ए बी और एंटीबॉडी इसमें कोई भी नहीं होती। ओ बी वाला जो होता है, ओ वाला, इसमें हमारा एंटीजन कोई भी नहीं होता, वो एंटीबॉडी इसमें होती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।